नमस्कार सभी को एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो मैं जैसे कि यहाँ पे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, मैं गल्फ़ कंट्री में हूँ, बहरीन में। मैं आज एक नर्सिंग से रिलेटेड एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जो यहाँ ड्यूटी आवर्स क्या रहते हैं और आपको कहाँ ड्यूटी करना प्रेफर रहेगा, और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि ड्यूटी करने से पहले और ड्यूटी आवर्स से पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक लेटर होता है, जब भी आप अगर बहरीन में आते हो, वैसे मैंने पहले भी पुरानी वीडियो बनाई जिसमें बहरीन में जॉब करने से पहले हमें एक एग्ज़ाम देना होता है, जो NHRA का एग्ज़ाम होता है, वो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो। अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँगी। जैसे आपने अगर यहाँ पे इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया हॉस्पिटल, क्लिनिक या कहीं पर भी, तो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करवाएंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर न सिर्फ नर्सिंग के लिए नहीं, वो हर किसी के लिए ही होता है जो भी बहरीन में काम करेगा, इवन इवन कोई भी पोस्ट में हो, तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन होना होता ही है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर के बारे में आपको बताऊँ, कॉन्ट्रैक्ट लेटर में कुछ डिटेल्स होती हैं, जिसमें आपका नाम और आपका जो जॉब, जो आपको जॉब ऑफर करता है उनका नाम, उनकी डिटेल्स, उनका एड्रेस, और आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी डिटेल्स रहती है। और सेकेंडली उसमें आपके ड्यूटी आवर्स भी फिक्स रहते हैं कि आपको कितनी ड्यूटी करनी होती है। अगर आपके एग्रीमेंट में 12 आवर्स का है आपका, तो आपको 12 आवर्स ही ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर आपके एग्रीमेंट में 8 आवर्स की ड्यूटी है, तो आपको 8 आवर्स करना पड़ेगा। उसमें सब मेंशन रहता है, और आपको 1 ईयर में कितनी छुट्टी मिलेगी, आफ्टर 2 ईयर में कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, कितने हॉलीडेज रहेंगे आपको, इसमें सब चीज़ मेंशन रहता है। और आपको और क्या क्या चीज़ें, जो एम्प्लॉयर होता है जो आपको जॉब ऑफर करता है, वो सब चीज़ें मेंशन करता है। अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट लेटर में साइन कर दिया, तो वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है। जब भी आप बहरीन में आओ और कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करो, तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आप अच्छे से पढ़ के ही साइन करना, क्योंकि उसमें कुछ कुछ ऐसी डिटेल्स डाली रहती है जो हम इग्नोर कर देते हैं, बट हम साइन कर देते हैं और कुछ टाइम बाद हमें वो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए एग्री हो। प्लीज़ मेक श्योर बिफोर साइन इन योर कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट चेक योर ड्यूटी आवर्स, योर ऑफ, आपके वीक में कितने ऑफ मिलेंगे आपको, आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपकी बेसिक सैलरी क्या रहेगी, आपको कितने हॉलीडे, कितने वेकेशन मिलेगा, उसमें सब चीज़, आपकी सिक लीव, एवरीथिंग इट विल मेंशन ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज़ मेक श्योर टू साइन ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर। आप ऐसा नहीं है कि आपको जब कॉन्ट्रैक्ट दे आपको उसी दिन साइन करना होता है, आप एक दिन या 2 दिन भी ले सकते हो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप किसी और से भी पूछ सकते हो। प्लीज़ मेक श्योर बिफोर साइन। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया है, बट बाद में उनको पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो बाद में करने में उनको गिल्टी फील होता है। कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपको एक जॉब ऑफर दिया जाता है। जॉब ऑफर सिर्फ एक पेपर का होता है, उसमें आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ड्यूटी आवर्स, बेसिक सैलरी और फुल सैलरी, ये सब डिटेल्स दी रहती है, और आपकी ज्वाइनिंग डेट दी रहती है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, 1 ईयर या 2 ईयर का, उसमें जॉब ऑफर में आपका ये सब चीज़ें होती हैं। जब आपको जॉब ऑफर मिलता है, मे बी उसके आफ्टर 1 मंथ, और मे बी आफ्टर 15 डेज, और मे बी आफ्टर 1 वीक आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिया जाता है। जॉब ऑफर में तो आप साइन कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मेक श्योर, मेरे साथ ऐसा फेस हुआ है, मैं इसलिए आपको रियल में इसमें बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी जॉब ऑफर आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर से डिफरेंट हो सकता है। मान लो आपके जॉब ऑफर में आपकी 8 आवर्स की ड्यूटी है, बट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है उसमें वो लोग 10 आवर्स या 12 आवर्स की ड्यूटी डाल देते हैं, जो आप इग्नोर कर देते हो। प्लीज़ मेक श्योर कॉन्ट्रैक्ट लेटर और जॉब ऑफर लेटर हमेशा मिला के ही साइन करिएगा, क्योंकि जॉब ऑफर लेटर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी रहती है जो कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीज़ें नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप ये जरूर मेक श्योर कर लें। एंड सेकेंड थिंग्स मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगे, तो उसके आप ड्यूटी ज्वाइन करोगे। ड्यूटी ज्वाइन बहरीन में क्या है, यहाँ पे बहरीन का एक लेबर लॉ है, बहरीन के लेबर लॉ के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 8 आवर्स पर डे ड्यूटी करनी होती है, दैट मीन्स 48 आवर्स पर वीक करनी होती है। और 48 आवर्स दैट मीन्स आप अगर एक दिन में 8 घंटे की ड्यूटी करोगे, तो आप 6 दिन ड्यूटी करोगे, 1 दिन का आपकी छुट्टी रहेगी। तो बहुत से ऑफर लेटर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ऑफर लेटर होता है उसमें सिर्फ 8 आवर्स की ड्यूटी रहती है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट आते आते उसमें 10 आवर्स या 12 आवर्स की हो जाती है।
तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देते हो तो उसके बाद आपको 10 आवर्स या 12 आवर्स की ही ड्यूटी करनी होती है पर डे। सो ये स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं साइन कर देते हैं, बट जब आप वो चीज़ें फेस करते हो 10 आवर्स या 12 आवर्स पर डे काम करते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत टायर्डनेस हो जाती है। सो प्लीज़ मेक श्योर 8 आवर्स की कॉन्ट्रैक्ट में भी 8 आवर्स की ड्यूटी ही होनी चाहिए। मैं सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहरीन का लेबर लॉ है, कोई भी ड्यूटी आवर्स नहीं बढ़ा सकता। बहुत से ऐसी कंपनियाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ड्यूटी आवर्स, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, अपने ड्यूटी आवर्स को बढ़ा देते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर ओनली साइन ऑन 8 आवर्स ड्यूटी। और हाँ, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर में साइन करोगे तो आप उनसे पूछ लेना आपके पीएच, दैट मीन्स पब्लिक हॉलीडे आपको मिलेगा या नहीं। आपको अगर वो ओवर टाइम करवाएंगे आपसे, जैसे आप 48 घंटे पर वीक करते हो, अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो वो ओवर टाइम देंगे या नहीं देंगे, ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, वर्बली नहीं होना चाहिए। वर्बली अगर आपको कोई बोले कि हाँ आपको मैं ओवर टाइम दूंगा तो प्लीज़ उस पर बिलीव मत करिएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही मेन होता है यहाँ पर, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा, क्योंकि रिटर्न पेपर बहुत ही कॉन्फिडेंशियली होता है यहाँ पे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप रिटर्न पेपर में ही करवाएं। आप अपना पीएच, पब्लिक हॉलीडे पूछें, आपका वैकेशन पूछें, आपकी सिक लीव पूछें, आप कैसे ले सकते हो, आपका ओवर टाइम पूछें। और यहाँ पे नाइट, जैसे अगर आपकी नाइट शिफ्ट लगी है, मान लो आपकी नाइट शिफ्ट 2 है और आपने अगर 3 नाइट शिफ्ट कर ली है यहाँ पे, तो आपको नाइट शिफ्ट जो आपका पर डे का वेजेस रहता है एक दिन का, आपकी जो सैलरी रहती है प्लस 50% एक्स्ट्रा मिलती है अकॉर्डिंग टू बहरीन लेबर लॉ। अगर आप डे टाइम में काम कर रहे हो, मान लो आपकी सिर्फ 2 दिन ड्यूटी है, आप एक दिन और एक्स्ट्रा कर रहे हो, मान लो आपकी 4 दिन ड्यूटी है, आपने 5 या 6 दिन 2 दिन और एक्स्ट्रा काम किया, तो जो आपको डे टाइम का वेजेस है, जो आपका ओवर टाइम है, प्लस 25% एक्स्ट्रा होता है। मैं यहाँ पे आपके बहरीन लेबर लॉ यहाँ पे मैं स्टिक कर दूंगी, आप देख लेना, प्लीज़ पढ़ लेना कि उसमें आपको कैसे कैसे मेंशन किया गया है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको और कुछ भी जानकारी लेनी है बहरीन में कैसे आने का और कैसे नर्सेस का जॉब आप कर सकते हो और क्या प्रोसेस है, सब चीज़ें वैसे मैंने अपनी और वीडियो भी बनाई, आप उसमें जाके दे सकते हो। फिर भी आपको कुछ और जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।